दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2024 के पूरे कार्यक्रम का इंतजार तो सभी भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल केवल अब इंडियन प्रीमियर लीग नहीं रहा। जी हाँ, इंजर्ड प्रीमियर लीग ये बन चुका है। हर साल की वही कहानियां, वही स्टोरीज होती है। आईपीएल के आगाज से पहले बड़े बड़े स्टार प्लेयर इंजर्ड होकर बैठ जाते हैं, उसके बाद वही फ्रेंचाइज या उनकी रिप्लेसमेंट की तलाश में जुट जाती है। बिल्कुल सेम सिनेरियो अब की बार भी चल रहा है, जहां पर आईपीएल 2024 आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के आगाज से पहले बड़े बड़े खिलाड़ी गंभीर इंजरीज की वजह से आईपीएल 2024 से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। उनके रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजियों ने आधिकारिक तौर पर उनकी कुछ रिप्लेसमेंट्स की भी अनाउंसमेंट कर दी, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 7-8 बड़ी रिप्लेसमेंट्स के बारे में जो आईपीएल 2024 के आगाज से पहले सभी टीमों ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दी है। नए खिलाड़ी को यहां पर आईपीएल में एंट्री करने का मौका मिला है, और इस वीडियो में हम इन सभी रिप्लेसमेंट्स को वन बाय वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी आईपीएल फैंस को बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहूंगा, बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2024 का आगाज हमें 23 मार्च 2024 से देखने को मिलेगा, और आईपीएल 2024 का ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच हमें 26 मई 2024 को देखने को मिलने वाला है। अब की बार 2 फीजीज में आईपीएल 2024 के कार्यक्रम का ऐलान होने वाला है, लेकिन पूरे कार्यक्रम के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं उन सभी बड़ी और टॉप रिप्लेसमेंट्स के बारे में जो यहां पर आईपीएल के आगाज से पहले उनके रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजियों ने कारिक तौर पर ऐलान कर दिया। दोस्तों फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लेकर। जी हां, सबसे पहले रिप्लेसमेंट अभी से कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले लखनऊ की टीम ने ही चुनी थी, जहां पर भी आपको पता है कि इस टीम के पास वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज मार्क वुड थे। करोड़ों रुपए में लास्ट एडिशन में खिलाड़ी बिका था, शायद 10 करोड़ प्लस अमाउंट इस खिलाड़ी का था, लेकिन अब की बार आईपीएल के आगाज से पहले इंजर्ड हो गए थे। साथ ही साथ उनके क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ प्रेशर बनाया था, जिसके चलते आईपीएल 2024 से उन्होंने खुद को रूल्ड आउट कर लिया था, और ऐसे में यहां पर लखनऊ की टीम को उनके आइडियल रिप्लेसमेंट की भी तलाश थी। उस वक्त पर आपको पता है भाई वेस्ट इंडीज के वन ऑफ द यंग प्लेयर, जी हां, समर जोसेफ ने वहां पर एक नया कारनामा, नया इतिहास रच के दिखाया था, जिसके बाद काफी सारी फ्रेंचाइजियां उनके साथ आपस में कॉन्टेक्ट में थी, लेकिन लखनऊ ने वहां पर बाजी मारी, लखनऊ ने उनके साथ डील साइन कर ली है। जी हां, समर जोसेफ आईपीएल 2024 में हमें टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। उनका प्राइस, उनका अमाउंट भी यहां पर रिवील हो चुका है। पहले तो अमाउंट को डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लेकिन उसके मतलब रिप्लेसमेंट के अनाउंसमेंट के 3-4 दिनों के बाद हमें अमाउंट के बारे में फाइनल कंफर्मेशन देखने को मिला, जहां पर लखनऊ की टीम ने समर जोसेफ के साथ 3 करोड़ रुपए में आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए आईपीएल 2024 के लिए रिप्लेसमेंट प्लेयर यहां पर डील कर ली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जस्ट अभी कुछ देर पहले हमें केकेआर की मैनेजमेंट की तरफ से यह बड़ी खबर देखने को मिली। इसीलिए भाई इस वीडियो में कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद दिलाना चाहूंगा कि आईपीएल 2024 की नीलामी के दौरान इस टीम ने अपने स्क्वाड में गुस अटकेशन को उनके बेस प्राइस में 1 करोड़ रुपए में अपने स्क्वाड में शामिल किया था। गुस अटकेशन ने रिसेंटली डोमेस्टिक में बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था, जिसके बलबूते पर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस खिलाड़ी के ऊपर अपना पूरा भरोसा यहां पर जताया था, लेकिन बिग बैश लीग के दौरान यह खिलाड़ी गंभीर इंजरी का शिकार हो गया। इनकी इंजरी रिपोर्ट का यहां पर केकेआर की फ्रेंचाइजी ने इंतजार किया, भाई उनकी इंजरी पर कोई नया अपडेट हमें देखने को लिए बहुत टाइम तक, बहुत समय तक इंतजार किया गया, लेकिन एट द एंड यही अपडेट निकल कर आएगा, भाई मतलब इनको थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, 1.5 महीने का रेस्ट इनको बताया गया है। और भाई केकेआर की टीम इस खिलाड़ी को लेकर कोई रिस्क यहां पर लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि भाई केकेआर के स्क्वाड में कोई गुंजाइश यहां पर नहीं है, हर हालत में इनको अपने टॉप स्क्वाड के साथ यहां पर उतरना था, जिसके चलते भाई केकेआर की फ्रेंचाइजी ने सोच लिया कि भाई हम यहां पर गुसट किशन का इंतजार नहीं करेंगे, हम उनके रिप्लेसमेंट के अनाउंसमेंट करेंगे। और जस्ट अभी कुछ देर पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट ने आधिकारिक तौर पर गुसट किशन की रिप्लेसमेंट के अनाउंसमेंट कर दिया, जहां पर इन्होंने श्रीलंका के वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज दुश्मन था चमीरा को साइन कर लिया है। जी हां, उनका प्राइस अमाउंट भी यहां पर रिवील हो गया है, जिनका आईपीएल 2024 की नीलामी में बेस प्राइस था 50 लाख रुपए बेस प्राइस था, उसी बेस प्राइस में हमें आईपीएल के नेक्स्ट
एडिशन में टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ यह खिलाड़ी जुड़ता हुआ नजर आया। तो भाई कहीं ना कहीं हर केकेआर फैन के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भाई दुश्मनता चमेरा इस टीम के बोलिंग डिपार्टमेंट को थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर देते हुए नजर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है टीम चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर, जी हाँ, सीएसके की टीम ने सीरियसली आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए आईपीएल 2024 के लिए जबरदस्त शानदार लाजवाब स्क्वाड्स बना रखे हैं और इनका टॉप ऑर्डर तो सीरियसली बहुत ही जबरदस्त है। आपके यंग और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो अब की बार नेक्स्ट एडिशन के लिए इस टीम ने बनाया, जिसके चलते इस टीम के बैटिंग लाइनअप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर इस टीम को तगड़ा झटका लगा, जहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नीलामी के दौरान इस टीम ने अपने स्क्वाड में बांग्लादेश के वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाजों, आपके स्लोअर गेंदों का थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं मुस्तफिजुर रहमान की मैं बात कर रहा हूं, रहमान को इन्होंने साइन किया था 2 करोड़ रुपए में, अपने स्क्वाड में शामिल किया था, टीम खुश थी, सस्ते में मिल गए थे और वे खिलाड़ी सीरियसली बहुत ही क्वालिटी है, गेंदबाज है। इस खिलाड़ी ने बड़े बड़े मैचेज इस टीम को, अपनी बांग्लादेश की टीम को जिताई है। लेकिन दोस्तों टीम को तगड़ा झटका यहां पर लगा, जहां पर रिसेंटली आपको बताना चाहूंगा प्रैक्टिस सेशन के दौरान वो गेंदबाजी करा रहे थे, गेंदबाजी कराते वक्त सामने से बल्लेबाज ने शॉट लगाया, शॉट सीधा उनके यहां पर हेड पर लगा, जिसके चलते गंभीर इंजरी का शिकार हो गए, फिलहाल हॉस्पिटलाइज है। इंजरी सीरियसली बहुत ज्यादा सीरियस है, जिसके चलते रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिसे यह तो कंफर्म हो गया है कि भाई आईपीएल 2024 के फर्स्ट हाफ को यह खिलाड़ी मिस करने वाला है। खैर दोस्तों यहां पर ऐसा हो सकता है कि इस खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट चुन ली जाए क्रिस जॉर्डन के साथ, यह टीम फिलहाल कॉन्टेक्ट में है। खैर दोस्तों जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट फर्दर अपडेट हमें इस रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग देखने को मिलता है तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है फिलिप साल्ट को लेकर, जी हां फिलिप साल्ट का सभी को आईपीएल में कमबैक का इंतजार है, क्योंकि भाई आपको पता है नीलामी के दौरान जब यह खिलाड़ी अनसोल्ड रहा था तो भाई हर कोई हैरान था, क्योंकि नीलामी से जस्ट पहले ताबड़तोड़ शतक जड़ा था और भाई नीलामी के जस्ट बाद भी इन्होंने ताबड़तोड़ शतक जड़ा T20 फॉर्मेट में। पिछले 3-4 महीने में इस खिलाड़ी ने कमाल लाजवाब धमाकेदार परफॉर्मेंस करके दिया है, लेकिन उसके बावजूद यह खिलाड़ी अनसोल्ड रहा था तो भाई हर कोई मतलब थोड़ा सा हैरान यहां पर जरूर था, क्योंकि भाई ये चीज किसी ने भी नहीं सोची थी कि भाई साल्ट यहां पर T20 फॉर्मेट में अनसोल्ड रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब फिलहाल यहां पर 2-3 फ्रेंचाइजियां उनके साथ कॉन्टैक्ट में, एज रिप्लेसमेंट प्लेयर उनकी आईपीएल 2024 में आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में एंट्री होने वाली है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि भाई जैसन रॉय फिलहाल थोड़ी सी इंजरी का शिकार है, रिकवरी में टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि जैसन रॉय की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस खिलाड़ी को फिलिप साल्ट को टीम के आपके यहां पर साइन कर ले और भी एक दो फ्रेंचाइजियां के साथ कॉन्टैक्ट में, क्योंकि भाई अब की बार काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी आईपीएल 2024 के आगाज से पहले गंभीर इंजरीज का शिकार हो चुके हैं, तो भाई कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी के ऊपर, फिलिप साल्ट के ऊपर सभी की निगाहें डेफिनेटली रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है स्टीव स्मिथ को लेकर, जी आईपीएल 2024 की नीलामी के दौरान स्टीव स्मिथ यहां पर मतलब अनसोल्ड ही रहे थे, किसी ने यहां पर इंटरेस्ट दिखाया नहीं था और भाई आपको बताना चाहूंगा कि भाई आपकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी कंफर्म कर दिया है कि भाई T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए स्टीव स्मिथ को फिलहाल कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यहां पर मतलब थोड़ा सा रिवेन्यू बनाने के लिए, मतलब अपनी थोड़ी सी T20 फॉर्मेट अपनी क्रेडिबिलिटी को दिखाने के लिए, T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के लिए इस खिलाड़ी को मतलब आईपीएल में कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अभी तक तो अनसोल्ड थे, लेकिन फिलहाल ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि भाई 1-2 फ्रेंचाइजी इनके साथ आपस में कॉन्टैक्ट में है और भाई अगर इनको आईपीएल में मौका मिल जाता है तो भाई ओपनिंग करनी इनको करनी पड़ेगी वहां पर, अगर ये T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाना चाहते तो भाई थोड़ा सा धमाकेदार परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा, 180 नंबर स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके दिखानी पड़ेगी, थोड़ा इंपैक्ट यहां पर छोड़ना पड़ेगा, तभी भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इनको T20 वर्ल्ड कप के लिए जगह मिल सकती है। लेकिन दोस्तों फिलहाल ऐसा ही क्लेम किया जा रहा है कि एज रिप्लेसमेंट प्लेयर स्टीव स्मिथ की आईपीएल में एंट्री हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो अपडेट निकल कर आ रहा है जोश हेजलवुड को लेकर, जी हां ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट गेंदबाज, इसने ऑलरेडी आईपीएल में अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस पिछले एडिशंस में करके दिखाया है, लेकिन अब की बार आईपीएल की नीलामी से पहले इस खिलाड़ी ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया था कि भाई आईपीएल 2024 के फर्स्ट हाफ के लिए यह खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होने वाला, जिसके चलते फ्रेंचाइजी इस खिलाड़ी को खरीदना तो चाहती थी लेकिन उसके बावजूद उनकी मतलब ये जो कंडीशंस थी उनको ध्यान में रखते हुए किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, उनको
इग्नोर किया गया, अनसोल्ड वहां पर रहे थे, लेकिन एज रिप्लेसमेंट प्लेयर इस खिलाड़ी की आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में आईपीएल 2024 में एंट्री हो सकती है, जहां पर भाई आपको बताना चाहूंगा सेकंड आपसे अवेलेबल होने वाले हैं एक दो फ्रेंचाइजियों के साथ, फिलहाल आपस में कॉन्टैक्ट में भी है। और भाई ऐसे में जो सैजलवुड हमें आईपीएल 2024 के सेकंड हाफ में इस टीम में अपने मतलब आईपीएल में अपना कमबैक करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये 5-6 बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट को लेकर आज की तारीख में ये बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।